अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खैरियत के साथ होंगे। CTSP के तहत कैरियर टेस्टिंग सर्विस के तहत गिलगित बल्तिस्तान टीचर इंडक्शन EST के जो करंट टेस्ट होने वाले हैं 29 मार्च को CTSP ने टेस्ट डेट का अनाउंस कर दिया है। यहां पे उसके साथ साथ CTSP वालों ने टेस्ट के जो सिलेबस है उसका भी ऐलान कर दिया है। काफ़ी जो कैंडिडेट हैं टेस्ट के हवाले सिलेबस को लेके परेशान हैं, तो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर सिलेबस क्या होगा CTSP की जो टीचिंग टेस्टिंग सर्विस हैं गिलगित बल्तिस्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो दीगर जो कैंडिडेट हैं उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। तो जी नाज़रीन, बात करेंगे यहाँ पर जो इसके अंदर जो पेपर बनेगा उसके रिटर्न जो हैं उसके 75 मार्क्स होंगे, लेकिन 100% मार्क्स में उसको जो है टेस्ट लिया जाएगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो उसके अंदर 8 पोर्शंस यहाँ पे रखे गए हैं। सबसे पहले जो है इंग्लिश का, और इंग्लिश की जो परसेंटेज यहाँ पे होगी 15 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर बनेगा। इसके अंदर बेसिक चीज़ें ग्रामर होगी, एक्टिव स्पेस होगी, करेक्ट सेंटेंस होगा, कम्प्लेक्स सेंटेंसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन चेन और हेल्पिंग वर्ब के हवाले से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रीपोजिशन पे थोड़ी सी फोकस कर लें। इंग्लिश से 15% मार्क्स का पेपर बनेगा। उसके बाद यहाँ पे जो सबको डिफ़िकल्टी होती है वो मैथमेटिक्स का पोर्शन है। तो यहाँ पे लाजिम बात है, आप टीचिंग के टेस्ट दे रहे हैं, जनरल टीचर एज इंडिक हो रहे हैं, तो आपको मैथ भी पढ़ानी होगी। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास मैथ का भी 15 नंबर का पेपर है। लेकिन आपने लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो मैथ होगी जनरल मैथ होगी, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ जो प्योर मैथ होगी जनरल मैथ होगी उसके अंदर एवरेज के क्वेश्चन आ सकते हैं, अलजबरा के क्वेश्चन आ सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके लिए भी अपने आपको मेंटली तैयार रखें। 30 नंबर हो गए। उसके बाद जहाँ पे जो पेपर बनेगा जनरल साइंस का पेपर बनेगा। जनरल साइंस की जो पेपर है वो भी आपके पास 15 नंबर का पेपर बनेगा। उसके लिए आप जो कोशिश कर लें, अगर आप इस टेस्ट को पास करना है क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की पंजाब टेक्स्ट बोर्ड जो कारवान की जो साइंस है उस पर थोड़ी सी तवज्जो दे दें, आपका ये 15 नंबर का पेपर भी हल हो जाएगा। इसके बाद जहाँ पे आपके पास जो SST का पेपर है, जो सोशल स्टडी है, उसके 10 मार्क्स से हैं, इसी तरह इस्लामियात के 10 मार्क्स से हैं, उसके अलावा आपके पास यहाँ पे IT की बात करें तो उसके भी 10 मार्क्स से हैं और जनरल नॉलेज के 10 मार्क्स से हैं। तो टोटल मिला के आप लोगों के 100 का पेपर बनेगा। तो एक दफ़ा मैं आप लोगों को रिपीट कर लूँ, आपको बताता चलूँ। यहाँ पर आपके पास जो स्क्रीन में भी आपके पास डिस्प्ले हो रहा है, इंग्लिश जो है 15%, उर्दू 15%, मैं तो भूल ही गया था कौमी ज़बान के हवाले से यहाँ पे 15 नंबर जो हैं उर्दू के हैं, यानी 15 मार्क्स उर्दू के हैं। उर्दू के अंदर क्या पूछा जाएगा? उर्दू के अंदर ग्रामर होगी, इसमें क्या है, इसमें मारिफा क्या है, या कोई सेंटेंस देंगे, मैं खाता हूँ, इसमें मसदर कौन सा है, इसके अंदर मुज़क्कर मोनिस आ सकते हैं। तो काइंडली 15 नंबर उर्दू की भी आप लोगों ने तैयारी करनी है, इंग्लिश की तैयारी करनी है 15 नंबर के लिए, जनरल मैथ के 15 नंबर, साइंस का 15, इस्लामियात का 10 मार्क्स, सोशल स्टडी के 10 मार्क्स, IT के 10 मार्क्स, और लाजिम बात है आप टीचिंग की तरफ जा रहे हैं तो एजुकेशन से तो बनेगा, पेडागोजी है उसके जो हैं 10 मार्क्स से हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पसंद है, अगर दोबारा रिपीट कर लेंगे आपको इसके अंदर जो पेपर बनेगा बिल्कुल जनरल टाइप का पेपर बनेगा, आप लोगों ने तैयारी करनी है। 29 तारीख को मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड विद DSGVT। अल्लाह हाफिज़।